28 जनवरी 2021 को होने वाले नगर निगम चुनाव के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई। इसी अवसर पर सभी आवश्यक सामग्री व ईवीएम की देखभाल और संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। अजमेर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कल नगर निगम के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान बूथों के लिए रवाना किया गया। निगम के 80 वार्ड के लिए 682 मतदान दलों को आज ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री देकर बूथों के लिए रवाना की गई। इस दौरान चुनाव अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस दल तैनात किया गया है, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नगर निगम का चुनाव जो है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। अजमेर उत्तर, दक्षिण और पुष्कर के दो बूथ हैं। इसमें दोनों विधानसभा जो उत्तर व दक्षिण है इसमें 328 बूथ हैं, और नगर निगम वाले में जो दक्षिण का भाग है इसमें 8 एक्स्ट्रा बूथ और हैं जो सहायक मतदान केंद्र हैं। इन सभी पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध हैं और 21 जोनल मजिस्ट्रेट इसके लिए हमने लगा रखे हैं जो पुलिस दल के साथ भ्रमण करेंगे और कानून व्यवस्था के ऊपर नज़र रखेंगे। कोविड को ध्यान में रखते हुए किस तरह की कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी आप देख रहे हैं कि दूर दूर इनको बिठा रखा है कार्मिकों को ट्रेनिंग के लिए, और इससे बचाव के लिए जो साधन है वो भी हमने मुहैया कराए। देखिए ऐसा है कि जो मेरे चारों ज़िले हैं उन चारों ज़िलों में जहाँ जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं इसमें सभी लोग मतदान करने अवश्य जाएं, और साथ में बिना किसी बहकावे में आए हुए, बिना किसी प्रेशर में आए हुए वो लोग अपना मतदान करें और एक जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका वो चयन करें। आगामी नगर निगम चुनाव में रहेगी पूरी तरह पुलिस व्यवस्था, किसी को भी नहीं करने दी जाएगी कानून व्यवस्था से खिलवाड़। नगर निगम चुनाव चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत कराए जाएंगे, ये कहना है पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा का। पूरे शहर में पुलिस का माकूल इंतजाम रहेगा, मोबाइल टीम, यातायात व्यवस्था सभी पूर्ण तय सुचारू रहे इसके लिए विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया। किसी भी तरह से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा, साथ ही कोरोना गाइडलाइन के साथ लोगों को कोरोना के बचाव के मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। अजमेर जिले में कल दिनांक 28 जनवरी 2021 को 5 जगह म्यूनिसिपल इलेक्शन है। नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़, विजयनगर, केकड़ी और सरवा की नगर पालिकाओं में चुनाव हैं। चुनाव के लिए करीब 4,500 का पुलिस बल हमने नियोजित किया है, जिसमें से करीब 1500 पुलिस बल बाहर से प्राप्त हुआ है। बाकी जिले का पुलिस बल मिला करके करीब 4,500 का पुलिस बल नियोजित किया है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, पर्याप्त पुलिस मोबाइल लगाई है, पुलिस मोबाइल अधिकारी सीनियर अफसर लगाए हैं, प्रत्येक मजिस्ट्रेट साहब को उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी उनके साथ भी लगाया है, और उनके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उनके साथ एक सीनियर पुलिस अफसर भी हमने लगाया है, और प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोविड गाइडलाइन की पालना करने के लिए एक होमगार्ड तो उपलब्ध हुआ ही है। उसके अलावा हमने क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर 1-4 का अतिरिक्त बल लगाया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के पास राइफल भी होगी, और जो क्रिटिकल नहीं है वहाँ भी हमने 1-3 का अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है, जो कोविड की पालना कराने में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में और मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में योगदान देगा। तो कहीं भी मतदान कराने के लिए पुलिस बल की कमी नहीं है और हमारी पूरी निगाह रहेगी। फिर भी कहीं आवश्यकता होगी तो हमारे पास पर्याप्त रिजर्व पुलिस बल भी उपलब्ध है, उसमें से हम पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे। 100 मीटर की दूरी के लिए कहा गया था। हाँ, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना कराई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही विभिन्न राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपना पर्ची काटने वाला बूथ लगाएंगे। इसके अलावा उन केंद्रों पर जहां पर्ची काटी जाएगी वहां भी अनावश्यक भीड़ नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए हमने पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया है, और कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह पालना हो, सबके मुँह पर मास्क हो, 6 फीट की दूरी उपलब्ध दूरी के अनुसार मैक्सिमम दूरी रखने का हम प्रयास करेंगे, सभी मुँह पर मास्क लगाए रखेंगे, मतदान केंद्र परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं हो, मतदान देने के बाद मतदाता वहाँ इकट्ठा नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया। उस करके राजकीय चिकित्सालय कोविड वैक्सीन सेंटर में कोविड जो कोरोना टीकाकरण वैक्सीनेशन का प्रथम फेज समाप्त हो गया, सैकड़ों लोगों ने वैक्सीन लगाई, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया,
आज ब्लॉक CMHO जो घनश्याम डॉक्टर घनश्याम ने भी कोरोना वैक्सीन लगाई, और डॉक्टर घनश्याम ने सभी लोगों से अपील की है कि आगे आकर लोग कोरोना वैक्सीन लगाएं, जिससे जल्दी कोरोना रूपी आपदा की विदाई हो। पुष्कर से दिलीप नागर साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज़। मुझे कोई समस्या नहीं है, टीका लगाया मेरे को लगभग 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक हम लगभग 400-500 टीके लगा चुके, अब तक कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको इस टीके के लगाने के बाद किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट। क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे आकर के टीका लगवाएं, ताकि हम इस कोरोना बीमारी को दूर भगा सकें। 36 घंटे से ज़्यादा टीका लगाए हुए हो गया है और मेरे को अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल टीका सुरक्षित है, कृपया आके टीका लगवाएं और कोरोना महामारी से सभी को बचाओ। फिल्म स्टार अनिल कपूर वैसे तो फिल्मी किरदारों में बॉलीवुड में देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कई एक से बढ़कर एक देशभक्ति की फिल्में की है, लेकिन पुष्कर में फिल्म बनाने आए अनिल कपूर ने प्रवास के दौरान कुछ ऐसा नज़ारा प्रस्तुत किया जो वास्तव में प्रस्तुत करता है कि उनकी देशभक्ति उनके रग रग में भरी हुई है। उन्होंने एक निजी रिसोर्ट में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी और राष्ट्रीय पर्व पर लोगों को बधाई भी दी। पुष्कर से दिलीप नागर साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के बहुचर्चित प्रोग्राम स्मार्ट सिटी स्मार्ट पार्षद कार्यक्रम में बुधवार को स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने जनता के सवालों का जवाब दिया, साथ ही आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं की। मैंने बिल्कुल छेड़ दिया और मैं किसी हालत में जीत जाऊंगी, ऐसा तीनों ही जने दावा कर रहे हैं, परंतु जो वोटों की गिनती और जो सारी स्थितियां होंगी वो सब ये, इसके बारे में एक बार आप अपना स्पेशल कमेंट। जेके शर्मा जो है अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय पार्षद है जी, और वो जब सामान्य सीट होने के कारण से पिछली बार मेयर पद में भी वो दावेदार थे जी। ये अलग बात है कि उस समय जो है OBC के धर्मेंद्र गौरव को मेयर बना दिया गया जी। लेकिन मतलब एक साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं केके शर्मा, और उन्होंने वार्ड में काम भी किया है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो इसी लिहाज से उनकी पत्नी एक अच्छी दावेदार हैं BJP की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर ग्रहण लगा रही है आभा भारद्वाज जी। आभा भारद्वाज BJP से जुड़ी रही हैं लंबे समय तक जी, और अच्छी वक्ता है जी, मतलब यहाँ तक कि सरकारी जो समारोह होते हैं गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस, उसमें एंकरिंग के लिए उनको बुलाया जाता है जी, और बहुत स्पष्ट वक्ता है, बिंदास लेडी है, और तो ये उनको लगता है कि उन्होंने टिकट मांगा हुआ नहीं मिला, इस कारण से वो मैदान में आ गई है, तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ना कोई कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा उनको कोई ना कोई समीकरण लगता होगा कि वो जीत जाएंगे शायद इसीलिए मैदान में, लेकिन जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम जेके शर्मा की पत्नी के लिए तो उन्होंने समस्या खड़ी करी दी है। एक दर्शक हैं, चेतन जी हैं, मल्होत्रा जी, वो पूछ रहे कहने हैं कि 44 नंबर वार्ड के बारे में बताओ। 44 नंबर वार्ड के बारे में जानकारी आपको दूं, क्योंकि बेसिकली ये पूरा कोली क्षेत्र, कोली समाज का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है द्रौपदी जो है जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी लेडी है, और निश्चित रूप से उनके ऊपर मेयर का जो है वो गिरधर है, आपको पूरी जानकारी देंगे। और यह विनीता चित्तौड़िया जो है, विनीता चित्तौड़िया भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में है, ये भी वोट बैंक से वोट लेने के अंदर रही है, परंतु यहाँ पे जो सबसे जो ट्रस्ट वाली बात है कि यहाँ पे 3 जने और खड़े हो गए, जो अंजू जी खड़ी हो गई है, सुखमन जी खड़ी हो गई है, हंगरानी जी, ये निश्चित रूप से अपने वोटों को वहां पर समीकरणों को खराब करने में बहुत बड़ा योगदान कर रही है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है और वोट बैंक के अंदर जो सेंस लगाने का काम है ये तीनों जनों की तरफ से किया जा रहा है। गिरधर वैसे उसके बारे में एक बार आपके एक्सपर्ट कमेंट जी, जी, जी बिल्कुल, यहाँ पे कड़ा मुकाबला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है जी। और जहां तक द्रौपदी कोहली का सवाल है, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जब ये सेकेंड ईयर में थी GCA में, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के नेता है हेमंत भाटी, उनके पिता श्री शंकर सिंह जी भाटी ही इनको राजनीति में लेकर आए थे जी, और पहली बार में ही इनको उन्होंने पार्षद बनवा दिया था, तो ये उसके बाद में वहाँ बहुत एक्टिव रही। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा आपने बताया बहुत पढ़ी लिखी है जी, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ये जानकारी है, लेकिन इतनी उनकी डिग्रियां इतनी है जी, उनको मतलब गिनना, जब हमने इंटरव्यू लिए थे यहाँ पे तो जब डिग्रियां ले रखी है उन्होंने तो वेल एजुकेटेड है। दूसरा खासियत ये कि उनकी बहुत बिंदास लेडी है, मतलब कहीं पे भी लड़ने, हाँ बोल्ड लेडी है, कहीं पे भी लड़ने भिड़ने के लिए, जन समस्याओं के लिए आगे आने के लिए, कई बार अनिता बदल से भी बहुत डायरेक्ट टक्कर ले लेती हैं वो जी। तो
और इस बार यदि वो जीतती हैं तो वो भी मेयर की एक दावेदार हैं। और असल में क्या है कि दक्षिण में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं जीत के आने की संभावना है, वो सारी की सारी दो दो तीन तीन बार उनके पति पार्षद अगर रहे हैं तो चार पांच वहां पार्षद मतलब जो है जीत के आने वाली संभावित जो प्रत्याशी हैं वो मेयर पद की दावेदार हैं। अब ये इस पर निर्भर करेगा यहाँ कांग्रेस का समीकरण क्या बैठता है और दूसरा हेमंत भाटी जो है वो किस पर ज्यादा विश्वास व्यक्त करते हैं। तो वैसे ये द्रौपदी देवी कोहली भी शंकर सिंह क्यों अपने हेमंत भाटी के ही लॉबी से आती जी। तो लेकिन ये कि मुकाबला बहुत कड़ा है और इसमें भी कोई दोराय नहीं कि इन्होंने हेमंत भाटी ने अपनी ताकत लगा रखी। एक हमारे दर्शक जो जिनको अपन ने पहले जवाब दिया था उन्होंने बहुत ही आपकी उन सब चीजों की प्रशंसा की कि जो आपने राइट इन्फॉर्मेशन जो दी है उसके लिए उन्होंने उस चीज के लिए धन्यवाद दिया है। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कुलदीप प्रजापति जी, वो कह रहे हैं स्वामी न्यूज अजमेर ओल्डेस्ट एंड ट्रू ट्रस्ट न्यूज चैनल 100% शैलेश गुप्ता एंड वार्ड टू। दर्शकों ये प्रजापति भी जी जो हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि दो नंबर वार्ड के बारे में मेरे पास जो जानकारी है क्योंकि गिरधर वैसा भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उनके बारे में एक्सपर्ट कमेंट इनसे लिए जाएंगे, परंतु मेरे पास जो सूचना ये थी कि पहले जो गुप्ता जी है वो मतलब किसी तरीके से उस जगह पे फाइट के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वहां की जो समीकरण है वो नहीं बैठ पा रहे थे, परंतु जैसे ही समीकरण वहां पे चेंज हुए वहां की समीकरणों के अंदर जो बैरवा समाज के जो वोट बैंक है वो बैरवा समाज की तरफ चले गए। गुप्ता जी के पास में जो है वो पूरे के पूरे जो वोट है वो पूरे पूरे जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोट है वो उनके पास में आना शुरू हो गए। बीजेपी के अंदर वहां पे बंटवारा हो गया क्योंकि वहां पर जो धवाई खड़े हुए हैं वहां पर वो धवाई जो है वो अपनी कॉलोनी के प्रमुख हैं और लोगों के अंदर उनकी घर के फैमिली के परिवार की पत्नियों तक पकड़े तो वो बेसिकली जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वहां पे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहां पे जो मुकाबला है उन सब चीजों की स्थिति है। कुलदीप जी का कहना अपनी जगह उनकी जगह पे वर्किंग है, परंतु गिरधर सर क्योंकि आप जो मेरे पास जो जानकारी थी शैलेश गुप्ता के लिए क्या बता रहे हैं, शैलेश गुप्ता जी के लिए कह रहे हैं कि शैलेश गुप्ता जी वहां पे 100% शैलेश गुप्ता जी जीतेंगे ऐसा उनका हमारे दर्शक का मानना है, परंतु जो मेरे पास जो जानकारी थी वो मेरे पास जानकारी है। निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में रहते भी खुद भी वहां के निवासी है तो इसके बारे में एक बार आप निश्चित रूप से बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली वहां पे जो चतुष्कोणीय मुकाबला हो चुका है जी और जैसा अभी आपने भी बताया जी तो उसमें असल में क्या है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जी वो सिंधी जाति से हैं तो एक तो वो क्या है आरएसएस और बीजेपी के जो कट्टर वोट हैं उनके वोट लेंगे, उसके अलावा सिंधी समुदाय के जो वोट है उनपे भी उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। जो मेरी जानकारी है ग्रुप से उन्होंने घर घर जाके और वोट की अपील की है। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है संदीप धापाई जो कि हरिभा उपाध्याय नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने वहाँ बहुत काम किया है और बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और लोकप्रिय भी हैं। तो मैंने जब उनकी रैली देखी थी तो उसमें बिल्कुल मतलब ओरिजिनल वोटर जो थे ना वो और महिलाएं वो उसकी रैली में निकल के और घर घर जाके अपील कर रही थी जी। तो ऐसा लगता है हालांकि बीजेपी का वोट टूटना बहुत मुश्किल होता है आमतौर पे वो जब वहां वोट डालने जाता है तो उसको कमल निशान ही दिखाई देता है, लेकिन बावजूद इसके संदीप धारावाई ने अच्छी पकड़ बना रखी है और उनकी अपनी एक टीम है काफी इंटेलेक्चुअल्स हैं और उन्होंने अभी एक बुकलेट भी जारी की जिसमें उन्होंने जो काम किए कराए हैं उनके बारे में जिक्र किया है। तो अब वो कितना सेंध मार पाते हैं ये इस पर निर्भर करेगा, लेकिन इससे हुआ ये कि जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बहुत बड़ी समस्या में खड़े हो गए। हालांकि कल मैंने उनकी एक रैली देखी जी मतलब बीजेपी हाँ, बिल्कुल बहुत इतनी जबरदस्त रैली थी। मैंने गिनती तो नहीं की कि उसमें कितनी गाड़ियां थी लेकिन तकरीबन 100 गाड़ियां मेरे ख्याल से थी और पूरी कॉलोनी में उन्होंने रैली निकाली जी। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कन्वर्ट होने में और नहीं वो उसमें मतलब वहां के वोटर उतने नहीं थे जितने किराए के लोग लाए हुए थे और ऐसा है जी। मैं आपको दर्शकों में बता दूं कई बार बड़ी दिलचस्प बात है अभी बात आई है तो कई वार्डो में मुझे जानकारी है कि किराए के और भाड़े के जो है कार्यकर्ता झंडे हाथ में लेके काम में ले जा रहे हैं उनको 100-200 रुपए दिहाड़ी दी जाती है और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो एक दिन एक वार्ड में किसी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए झंडे उठाते हैं दूसरे दिन बीजेपी के लिए झंडे उठाते हैं। ये ट्रेंड भी मैंने इस बार देखा तो कल जो रैली थी उसमें कुछ लोग इस तरह के मुझे नजर आए जो वहां के वोटर नहीं थे लेकिन बाहर से आए थे, लेकिन रैली बहुत शानदार थी। मतलब यदि उस रैली को कोई देख ले तो दावे के साथ कह सकता है वो जीत ही जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये तो भाई आपस की टक्कर। अब आता है शैलेश गुप्ता की बात। शैलेश गुप्ता कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है।
उनको पहली बार कांग्रेस ने कोई इस तरह का लाभ जैसी मौका दिया उनको। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि पिछली बार जो मनोज बैरवा वहां के पार्षद थे वो फिर वो मैदान में आके डट गए। हालांकि ये पक्के तौर पे कहना कि बैरवा समाज के सारे वोट वो ले जाएंगे उचित नहीं होगा। मेरे को लगता है उसमें भी थोड़ा बहुत तो डेंट कांग्रेस ही आइडियोलॉजी के लोग हैं वो डेंट तो पड़ेगा, लेकिन शैलेश गुप्ता के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अच्छा, यदि ये कमल बैरवा ये मनोज बैरवा नहीं होते और ये दोनों बीजेपी के और बीजेपी के बागी यदि होते तो उसमें निश्चित रूप से शैलेश गुप्ता की जीत की संभावना बनती थी। लेकिन अब क्योंकि चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है इसमें कोई भी जीत सकता है। मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि इसमें बीजेपी का और बीजेपी का बागी, कांग्रेस और कांग्रेस का बागी, इनमें से कोई भी जीत सकता है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले दूनी तहसीलदार की बहाली की मांग को लेकर तहसीलदार संघ कानूनगो व पटवार संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार संघ कानूनगो और पटवार संघ द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दूनी तहसीलदार विनीता सामी की बहाली की मांग की गई। साथ ही ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण के रास्ते के प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की मांग की। दोनी तहसीलदार विनीता स्वामी जी के को जिस तरह से एपीओ किया गया है उसके विरोध स्वरूप आज तीनों जो संघ हैं राजस्व के, पटवार संघ, कानूनगो संघ और तहसीलदार सेवा परिषद, उनकी तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। और उस ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि तहसीलदार मैडम को पुनः बहाल किया जाए और जो अवैध तरीके से दीवार तोड़ के और जो रास्ता निकाला गया है वहाँ तहसील में, तहसील की ज़मीन में, वो रास्ता बंद करके और तहसील की ज़मीन है वो तहसील के नाम ही रहे और उन्हीं का काबिज रहे, इसके लिए हम आज कलेक्टर महोदय को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। आज राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले जिसमें तहसीलदार संघ, कानूनगो संघ और पटवार संघ तीनों मिलकर टोंक जिले की दूनी तहसील के तहसीलदार मैडम को जो एपीयू किया गया है उसके विरोध स्वरूप उनकी पुनः बहाली के लिए आज हम तीनों संगठन मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से। हमारा मामला यह है कि दूनी तहसीलदार ने जो हमारे तहसील कार्यालय को जो आवंटित हो रखी ज़मीन है उनमें से जो ठेकेदार द्वारा और बार एसोसिएशन द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर कलेक्टर के ऊपर और उस दीवार को तोड़वा के वहाँ से जो नाजायज़ रास्ता निकाला गया है, तो हमारे तहसीलदार मैडम ने तहसील कार्यालय की ज़मीन होने के कारण उस रास्ते को निकलने से मना किया, तो कलेक्टर साहब ने प्रेशर में आके उनको आनन फानन में जो एपीओ किया गया है उससे लेकर राजस्व सेवा परिषद में भयंकर आक्रोश है और हमारी सरकार से मांग है कि उनको तुरंत बहाल किया जावे और उस रास्ते को रोका जावे, और अगर नहीं करती है तो कल हमारा पैन डाउन रहेगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर रहेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तीर्थनगरी के मरुधर केसरी भवन में बुधवार को जैन समाज के आराध्य महाराज साहब मिश्री मल जी महाराज की 37वीं पुण्यतिथि धार्मिक आयोजनों के बीच मनाई गई। इस अवसर पर जैन समाज के महिला पुरुषों ने कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मिश्री लाल जी महाराज वो संत थे जिन्होंने जैन समाज नहीं बल्कि प्राणी मात्र की सेवा के लिए कई सेवा के कार्य किए थे, तो लोगों ने एक संकल्प लिया कि गुरु महाराज साहब ने जो रास्ते बताए हैं उसी रास्ते पर चलकर वो सेवा के कार्य लगातार जारी रखेंगे। पुष्कर से हमारे साथ सीताराम पारसर स्वामी। आज 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की 37वीं पुण्यतिथि है। आज सामूहिक तेले का प्रोग्राम है, 25, 26, 27 तीन दिन का तेले का प्रोग्राम था। किस जगह मना रही है और किस मरुधर केसरी सेवा समिति पुष्कर में? किन की ओर से है ये? हस्तिमल जी गोखलिया की तरफ से है लाभार्थी। मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब की 37वीं पुण्यतिथि का एक आयोजन है यहाँ पर। मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब जैन समाज में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे गांव-गांव में अस्पताल हो, स्कूल हो, गौशालाएं हो, परोपकार के जितने काम हैं, प्याऊ हो, पशुओं के लिए खेल की व्यवस्था हो, सारे काम उन्होंने जन सेवा के किए हैं। और मर्दर केसरी उनका नाम इसलिए पड़ा है कि मर्दर के अंदर उनकी छवि बहुत ही ऊंची रही है, बहुत ही उज्ज्वल रही है। ऐसे ही मर्दर केसरी मुस्लिम साहब की 37वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर उन्हीं की सुशिक्षा पुष्पवती जी महाराज साहब माता जी और राजपति जी महाराज साहब विराजमान हैं। आज उत्सव को मनाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं, उनकी पुण्यतिथि को बड़े श्रद्धा के साथ, एकादशी के साथ, सामयिक के साथ मनाने का आयोजित हुआ है, उसके निमंत्रण।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।